बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आपका खिदमतगार मोहम्मद आमिर जमील और आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम जो मशहूर रेसिपी बनाने जा रहे हैं, इसका नाम है वाइट चिकन कढ़ाई। वाइट चिकन कढ़ाई हम बनाने जा रहे हैं। आप हमारी वीडियो आखिर तक देखें ताकि हमारी इस रेसिपी के बारे में आपको मालूम हो जाए। और तमाम बहन भाइयों से मेरी गुजारिश है कि अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट्स पे अपनी राय दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली चैनल की तमाम वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सकें। के बबरकत नाम से हम अपनी इस रेसिपी का आगाज़ करते हैं। अब हम कुकिंग ऑयल शामिल करते हैं। इसमें दो से तीन हम तेज पत्ता शामिल करेंगे। इसे हम थोड़ा सा लाल करेंगे। तकरीबन हमारे पास 1.5 किलो गोश्त यहाँ पे शामिल करते हैं। एक से दो हम सब्ज़ इलायची इसमें शामिल करेंगे। हमारा चिकन ब्राउन होना शुरू हो गया है। अभी हम इसमें शामिल करेंगे लहसुन का पेस्ट। ओके। और साथ ही अदरक का भी पेस्ट शामिल कर लेंगे। ओके। यहाँ चिकन हमारा लाइट ब्राउन हो गया है। अब हम इसमें टमाटर शामिल करेंगे। अब हम इसको कवर कर देते हैं ताकि हमारे टमाटर सही तरीके से गल जाए। बिस्मिल्लाह। अभी हमारे टमाटर सही तरीके से गल चुके हैं। अभी हम इसमें मसाला जार शामिल करते हैं। ओके। सफ़ेद मिर्च, काली मिर्च और नमक थोड़ा सा शामिल कर। अभी हम इसमें अपना दही शामिल करते हैं। हमने अपना दही शामिल कर लिया है। अभी हम शामिल करेंगे इसमें क्रीम। और इसको मिक्स कर लेंगे। हमारी कढ़ाई काफ़ी हद तक तैयार हो चुकी है। अभी हम इसमें शामिल करते हैं धनिया। हरी मिर्च और पुदीना। और अभी हम इसको कुछ टाइम के लिए दम लगा देते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम।
माशाल्लाह ज़बरदार उम्दा कढ़ाई ज़बरदस्त जनाब। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। इसी के साथ अपने हिदमतगार मोहम्मद आमर जमील को दें इजाज़त, जल्द ही नई रेसिपी के साथ आपके साथ दोबारा शामिल होंगे। अल्लाह हाफिज़।